एससीओ सम्मेलन में पीएम मोदी ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरा। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना आतंकवाद का समर्थन करने वाले देश को आतंकी घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराने की वकालत की। साथ ही उन्होंने श्रीलंका में आतंकी हमले का जिक्र करते हुए आतंकवाद से मिलकर लड़ने की एससीओ देशों से अपील की। इनके अलावा पीएम मोदी ने एससीओ देशों से टेरर फंडिंग को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने को भी कहा। टी फॉर टेररिज्म फ्री सोसाइटी। पिछले रविवार श्रीलंका की अपनी यात्रा के दौरान मैं सेंट एंटनी में के चर्च गया था। वहां मुझे आतंकवाद के उस घिनौने चेहरे का स्मरण हुआ जो हर कहीं कभी भी प्रकट होकर रोज मासूमों की जान लेता है। इस खतरे से निपटने के लिए सभी मानवतावादी ताकतों को अपने अपने संकीर्ण दायरे से निकलकर एकजुट हो जाना चाहिए। आतंकवाद को प्रोत्साहन, समर्थन और वित्त प्रदान करने वाले राष्ट्रों को जिम्मेदार ठहराना जरूरी है। एससीओ सदस्यों को आतंकवाद का सफाया करने के लिए एससीओ रेड्स के तहत सहयोग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहिए। भारत आतंकवाद से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का आह्वान करता है। एससीओ सम्मेलन में आतंकवाद के मुद्दे पर घिरने के बाद इमरान ने बचाव में चीन को सामने खड़ा किया और दलील दी कि आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान के जरिए उठाए गए कदमों को चीन ने भी माना है। साथ ही इमरान खान ने चीन का सहारा लेकर दावा किया कि आपसी सहयोग और इलाके की स्थिरता के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा गया है। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद आतंकवाद को लेकर बेनकाब हो चुका पाकिस्तान एक बार फिर भारत के सामने बातचीत के लिए भीख मांग रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पीएम मोदी से बातचीत के लिए वो गिड़गिड़ा रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत बातचीत करने के उनके प्रस्ताव को माने। साथ ही इमरान खान ने भारत से हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार होने का दावा किया। इससे पहले भी इमरान खान ने चिट्ठी लिखकर पीएम मोदी से बातचीत करने की गुहार लगाई थी, लेकिन भारत ने आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान से बातचीत करने से इनकार किया। करतारपुर कॉरिडोर for the Sikh community is has been a great initiative from Pakistan, and we hope that as I said, now the elections are over, India will respond positively to these initiatives to further people to people contact. But unfortunately, people to people contact only work when the governments also try to get closer. You can't have a situation where the governments have animosity towards each other and expect the people to get closer. It doesn't happen. We hope that the Indian leadership will now grab this opportunity, avail this opportunity where Pakistan is offering, that let's resolve all our differences through dialogue.